प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन एवं दीव की राजधानी दमन में रविवार को नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में वेट लिफ्टिंग की दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके द ग्रेट वेट लिफ्टिंग मैन विक्रम फोगाट उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन सिलवासा के विक्रम राज पुरोहित द्वारा किया गया था, जिन्होंने हाल ही में वेट लिफ्टिंग नेशनल चैंपियनशिप की प्रतियोगिता में अपने जलवे बिखेर कर दादरा नगर हवेली का झंडा गाड़ चुके हैं। वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार जी के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष भाजपा नेता रामकुमार पाल, दादरा दमन दीव के वरिष्ठ पत्रकार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र यूटी मिरर ओवरसीज लुक के मालिक संतोष कुमार पांडे भी शामिल हुए। नेशनल चैंपियनशिप कार्यक्रम में उपस्थित सभी मुख्य अतिथियों का आज दमन में भव्य स्वागत किया गया। दमन में आकर के हमको लगा कि यहाँ के युवा युवतियाँ देश के लिए काम करना चाहते हैं। पावर लिफ्टिंग में सीधी संपर्क शरीर से है कि इन लोगों ने अपने बॉडी पर ध्यान दिया, जो आज के नए ज़माने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं इन सबको बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो खेलो इंडिया जीतो इंडिया कार्यक्रम चल रहा है, उसका विक्रम जी के द्वारा बढ़ावा दिया गया, संतोष पांडे जी के द्वारा बढ़ावा दिया गया, राजा रामकुमार पाल जी, गिरा चंद्रकर जी, इन सब लोगों ने इसको बढ़ाया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी मैं नव इलेक्ट हुआ हूँ राज्यसभा में जी। मैं अभी भारत सरकार की गाइडलाइन देख करके खेल मंत्रालय से इनके लिए क्या कर सकता हूँ उस पर मैं ज़रूर मदद कराऊँगा। अभी राम कुमार जी ने बताया था कि हम इस पर नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से काम कर सकते हैं, तो मैं भी हमको अभी बजट मिलेगा तो चूँकि हमारा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश है तो इसको बढ़ावा देने के लिए मैं जिम भी खुलवाने का काम करूंगा और भारत सरकार की खेल नीति में इनके लिए प्रोत्साहन राशि दिलाने का व्यवस्था करूंगा। देखिए, ये स्पोर्ट्स है और इसमें लोग भाग ले रहे हैं और राजपूत और मिसेस राजपूत बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनको मार्गदर्शन नहीं मिला। मैं तो यहाँ के प्रशासक का हाथ जोड़ के बोलूँगा कि नेहरा युवा केंद्र का आज कई वर्षों से सालों से चला कार्यक्रम है, कुछ लोग इसका फ़ायदा ले रहे थे पॉलिटिकल, आज 8 साल से हर नागरिक तक पहुंच रहा है, तो आप क्यों नहीं ऐसे स्पोर्ट्स को मदद कर रहे हैं और ये लोग क्यों नहीं वहां जा रहे हैं? ये सालों से चली है, फंड है, एक तरह से जकात है, समझ लीजिए जकात पे वो कितने आगे बढ़ रहे हैं और हम हमारे पैसे का यूज़ नहीं कर पा रहे, हमारे लोगों को नहीं मिल रहा है। और कबड्डी और क्रिकेट छोड़कर सारे स्पोर्ट्स को सहायता है, पर हमारा अप्रोच न करना एक हमारी कमजोरी है और इसको बताया भी नहीं गया लोगों में। अब लोग जागरूक होइए और इसको ज्वाइन कीजिए और हर जिले में सीओ है, हर जिले में अधिकारी है, 1-1 लाख रुपए का उनका वेतन है, इसका पैसा जा रहा है, हमारा ही जा रहा है। आप क्यों नहीं उपयोग कर रहे इन लोगों को, ट्रेनर लोगों को और वेट लिफ्टिंग लोगों को कहूँगा कि आप आगे बढ़िए और उनका सिम्बॉल भी लीजिए। सिम्बॉल देते खाली आपको अर्जी करनी, एप्लीकेशन करनी है, इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है। और एक बात और बताता हूँ, नेहरू युवा केंद्र में अगर अधिकारी आपके स्पोर्ट्स में आया और 40 मिनट्स के अंदर उसने केंद्रीय वेबसाइट पर लोड नहीं किया तो उस पर कार्रवाई होती है। इतनी स्ट्रिक्ट अनुराग ठाकुर ने बनाया है, हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरा अनुरोध है सभी से कि इसको उपयोग करिए। हम ओवरसीज लोग यूटी मिरर और गुरुजी के आशीर्वाद से हैदराबाद से यहाँ सीधा आए कि मार्गदर्शन करने को। आप तो मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा है। अगर आपके 2-4 विद्यार्थी भी प्रदेश के निकलेगा, आपके प्रदेश का भी नाम होगा और आपके जिम का भी नाम होगा। देखिए, विक्रम राज पुरोहित ने जो काम किया है बहुत ही बेहतरीन काम है, दोनों संघ प्रदेशों के लिए, दमन दीव दादरा नगर हवेली के लिए गौरव की बात है। विक्रम राज पुरोहित इसके पूर्व में कई पुरस्कार भी जीत चुके हैं, लेकिन जब पुरस्कार जीतने के बाद वो प्रदेश में आते हैं तो किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन प्रशासन के जरिए नजर नहीं आता। आप देखिए कि प्रशासन के तमाम विभाग को एक छोटा सा अगर पुरस्कार दिल्ली में मिलता है तो उसका इतना बड़ा ढोरा पीटा जाता है कि जैसे पूरी इंडिया का ये पुरस्कार उनकी झोली में आ गया है, जबकि वो कुछ नहीं होता है। लेकिन एक आम नागरिक विक्रम राज पुरोहित शून्य से शिखर तक यहां तक सफर किया है। और हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 2 दिवसीय सम्मेलन हैदराबाद में थे और मिथिलेश भैया जो राज्यसभा मेंबर हैं उत्तर प्रदेश से और बहुत बड़ी पैठ रखते हैं भारतीय राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े सिरमौर हैं राम कुमार पाल जी, जो हर पग पर यहां के संघ प्रदेशों के लिए तत्पर रहते हैं। जितने भी युवा यहां पर आए हैं उन्हें अब किसी भी प्रकार की दिक्कत
दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत है राज्यसभा, और राज्यसभा के सबसे कर्मठी, दो बार लोकसभा और उत्तर प्रदेश के कई मंत्रालय संभाल चुके हैं मिथिलेश भैया जो यहाँ पर उपस्थित है। उन्होंने आश्वस्त किया कि यहाँ का अगर प्रशासन उदासीनता दिखाता है तो रत्ती भर फिक्र ना करें, वो इन युवाओं को डायरेक्ट मोदी तक लेके जाएंगे, क्योंकि मोदी ने कहा है हिट रहो फिट रहो, और इसी सपने के साथ मोदी जी रात दिन प्रयत्न कर रहे हैं। और विक्रम राजपुरोहित ने जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर के विक्रम फोकाट को लाकर दोनों संघ प्रदेशों का गौरव बढ़ाया है, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और मैं आज के रोज यही कहूंगा कि इतने बड़े कार्यक्रम पे प्रशासन उदासीन क्यों है, किस लिए प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी यहाँ पर नहीं आया? क्या उनसे इन्होंने चंदा मांगा था या उनसे किसी भी प्रकार का सपोर्ट मांगा था? इन्होंने खुद के बलबूते पर किया, एक रुपए भी कहीं से विक्रम राजपुरोहित ने लिया नहीं, किसी से अपने बलबूते किया। कम से कम ऐसे लोग उत्साहवर्धन के लिए तो आना चाहिए। एक तरफ आप बोलते हैं कि पुलिस में भर्ती करने के लिए हम युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, गलत बात है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि प्रशासन भले आपका सहयोग न करे, लेकिन मिथिलेश भैया, राम कुमार और हम जैसे लोग आपके साथ खड़े हैं। आपको रत्ती भर भी चिंता की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और परिश्रमेण सिंह मुपैत लक्ष्मी, परसमी व्यक्ति का लक्ष्मी स्वयं आकर कदम चूमती हैं और इन युवाओं का कदम चूमेगी। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, किसी के सहयोग की कोई जरूरत नहीं, इनके अंदर दम है, खम है और कार्य करने की तत्परता, इनके हौसले को कोई रोक नहीं सकता। और मैं आज चैलेंज के साथ कहता हूं कि इन युवाओं में से एक दिन कई युवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान सम्मान बढ़ाएंगे और वो मंच आएगा, और उस मंच से विक्रम राज पुरोहित ऐलान करके बताएंगे कैसी उदासीनता प्रशासन और लोगों ने दिखाया है। जय